राजनीति की पहली सीढ़ी कहे जाने वाले छात्र संघ चुनाव अब नहीं होंगे। जी हां, सरकार के एक फैसले के चलते प्रदेश के उन सैकड़ों छात्र नेताओं के सपनों पर पानी फिर गया है जो मुख्य राजनीति की जो सीढ़ी होती है छात्र संघ चुनाव, उसके जरिए राजनीति में अपना मुकाम बनाना चाहते हैं। जी हां, प्रदेश सरकार ने एक फैसला लिया है जिसके तहत राजस्थान में इस साल छात्र संघ चुनाव आयोजित नहीं करवाए जाएंगे। सरकार के इस फैसले का विरोध अब पूरे राजस्थान में देखने को मिल रहा है। राजस्थान विश्वविद्यालय सहित राजस्थान की तमाम यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में छात्र नेता हैं विरोध में उतर चुके हैं, साथ ही सरकार से उसके फैसले को बदलने को लेकर मांग की जा रही है। तो वहीं छात्र संगठन अब सरकार के विरोध में उतर चुके हैं। लेकिन क्या ये सही है कि राजनीति की पहली सीढ़ी जो छात्र संघ चुनाव है उनके दरवाजे बंद कर दिए जाएं, या फिर सरकार को ये चिंता सता रही है कि विधानसभा चुनावों से पहले कहीं ये छात्र संघ के चुनाव उनके लिए नेगेटिव पॉइंट साबित ना हो जाए। अब स्टूडेंटों की मांग में एक नया नाम शामिल होने जा रहा है, वो नाम है सचिन पायलट का, क्योंकि ये जो युवा तरुणाई है अब सचिन पायलट की ओर रुक करती हुई नजर आ रही है। छात्र नेताओं ने एक रणनीति तैयार की है, इस रणनीति के तहत अब ये छात्र नेता सचिन पायलट से मुलाकात करेंगे, साथ ही वो गुहार लगाएंगे कि सचिन पायलट उनकी आवाज को सरकार तक पहुंचाए और राजस्थान में छात्र संघ चुनावों का जो रास्ता है वह साफ किया जाए, क्योंकि पिछले दिनों युवाओं की मांग को लेकर सचिन पायलट ने अपनी आवाज मुखर की थी। अजमेर से लेकर जयपुर तक उन्होंने एक रैली निकाली थी, पदयात्रा निकाली थी, जिसमें युवाओं की विभिन्न मांगों को शामिल किया था। आपको बता दें कि 2018 के चुनावों में युवाओं की पैरवी करने वाले भी सचिन पायलट थे, उनके चलते कांग्रेस में बड़े क्षेत्रों में युवाओं को मौका दिया गया था और युवाओं ने जीत भी हासिल की थी। ऐसे में अब जो राजस्थान विश्वविद्यालय सहित तमाम विश्वविद्यालय और कॉलेज हैं इनके जो छात्र नेता हैं अब सचिन पायलट की ओर उम्मीद की नजरें लगाए बैठे हैं कि सचिन पायलट इस मुद्दे पर कुछ करेंगे, कुछ बोलेंगे। इसके साथ ही एक प्रतिनिधि मंडल जिसमें शीशराम चंदेल हैं और अन्य जो छात्र नेता हैं वह सचिन पायलट से मुलाकात करेंगे, साथ ही ये भी मांग करेंगे कि सचिन पायलट सरकार के सामने उनका पक्ष रखे और छात्र संघ चुनावों को लेकर जिस तरह के आयोजित करवाने को लेकर जो मांग है वह सरकार तक पहुंचाए और छात्र संघ चुनावों का रास्ता खुलवाए, क्योंकि विश्वविद्यालय में जो कार्यक्रम आयोजित हुए थे उसमें सचिन पायलट भी गए थे और उन्होंने साफ ये कहा था कि ये जो युवा छात्र शक्ति है ये आने वाले राजनीति का भविष्य है। ऐसे में अब देखना होगा कि इस पूरे एपिसोड में सचिन पायलट की जो एंट्री है वह कब होती है और प्रदेश के सैकड़ों छात्र नेताओं की आवाज सचिन पायलट कैसे बुलंद करते हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अब एक बार फिर से प्रदेश के सैकड़ों छात्र नेताओं को सिर्फ एक ही उम्मीद नजर आ रही है और वो उम्मीद है सचिन पायलट।